एक बार की बात है, भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक मायावी दानव मिल जाता है और वह बोलता है, तू राम है ना, चला जा यहाँ से, वरना मेरे हाथों से आज तू मारा जाएगा। चला जा अभी यहाँ से। तब भगवान राम मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मुझे मालूम है कि तू मेरे हाथ से मरकर अपने जीवन का उद्धार करना चाहता है। इतना बोलकर राम अपने धनुष से एक तीर मारते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत में एक छोटा सा इंट्रो वीडियो देखा, आज मैं आपको इसी तरह का राम लक्ष्मण और एक भूत वाला कार्टून वीडियो बनाना सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। और साथ साथ ये जितने कार्टून करेक्टर हैं राम का, लक्ष्मण का और भूत का, और साथ साथ एक कृष्णा का भी करेक्टर आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस टाइप का राम लक्ष्मण वाला कार्टून वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना होगा अपने क्रोमा टून एप्लीकेशन में। तो देखिए, हम आ चुके हैं क्रोमा टून एप्लीकेशन में। यहाँ पर आपको एक ऊपर साइड करेक्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे, नीचे साइड जाएंगे, यहाँ इंपोर्ट कस्टम पर क्लिक करेंगे, ऊपर साइड फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर लोड पर क्लिक करना है। जैसे लोड पर क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, आपको गैलरी पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ से जो हम अपना करेक्टर है वो हम ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो राम जी का करेक्टर वो आ चुका है। अब दोस्तों, यहाँ से आपको बाकी के जितने करेक्टर हैं वो भी हम इसी तरह ले लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारे जो तीनों करेक्टर हैं वो आ चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ करेक्टर के ऑप्शन पर जाएंगे, एक करेक्टर जो एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ से नोन कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारे जो तीनों करेक्टर हैं वो आ चुके हैं। आने के बाद दोस्तों, हम ये करेक्टर भूत वाला इधर करेंगे और ये राम जी का करेक्टर यहाँ पर करेंगे। तो इस टाइप का देखिए, हम इनको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर लक्ष्मण के करेक्टर को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये देखिए, ठीक। तो ये देखिए, कुछ इस टाइप का लक्ष्मण का करेक्टर यहाँ छोटा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, ये वाला करेक्टर है भूत वाला, आपको इस पर क्लिक करना है, इसको ऐसे करके फ्लिप करके यहाँ पर ऐसे खड़ा कर लेना है। तो ये देखिए, कुछ इस टाइप का आपको खड़ा कर लेना है। करने के बाद दोस्तों, इसका एनिमेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम भूत वाले करेक्टर को नॉर्मल खड़ा रखेंगे। फिर दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्लस के आइकन पर जाएंगे, नॉर्मल सबको आइडल ही रखना है। फिर दोस्तों, इसको टॉकिंग कर लेना है। यहाँ पर नीचे साइड जाएंगे और टॉकिंग का जो एनिमेशन आपको कर लेना है, ये देखिए, ठीक है, टॉकिंग का एनिमेशन करना है। और सेकंड वाला हमको फिर से आइडल का एनिमेशन कर लेना है, ठीक है। तो ये तीन एनिमेशन आपको भूत वाले कैरेक्टर पर करने हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इस वाले कैरेक्टर को जो लक्ष्मण का करेक्टर, उस पर कोई एनिमेशन नहीं करना है, आपको सिंपली आइडल ही रखना है। अब दोस्तों, ये वाला जो करेक्टर है, जो हमारा राम जी का करेक्टर है, उस पर आपको इससे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर आपको वॉकिंग का कर लेना है। तो ये देखिए, हम वॉकिंग का जो एनिमेशन है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए, हमारा जो राम जी का करेक्टर है वो वॉकिंग हो चुका है। होने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कर लेना आइडल। तो यहाँ से देखिए, हम आइडल कर लेंगे। फिर यहाँ पर थर्ड रो पर जाएंगे, इसको हम कर लेंगे टॉकिंग। तो यहाँ से हमको टॉकिंग का जो एनिमेशन है वो ले लेना है। फिर से यहाँ पर देखिए, टॉकिंग वन हम ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों, अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको नॉर्मल सा आइडल रख देना है। तो ऐसे करके आप आइडल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चार आपको देखने को मिलेंगे एनिमेशन। अब तो अब दोस्तों, यहाँ से ओके करना है। अब दोस्तों, ये जो लक्ष्मण का करेक्टर है, जिसमें हमने की बताया था कि कोई एनिमेशन नहीं करना है, तो इस पर एक एनिमेशन करना है, मैं भूल गया था, तो मैं बता देता हूँ आपको। इस पर क्लिक करना है, इसको कर लेना है वॉकिंग। तो यहाँ से हम वॉकिंग का जो एनिमेशन है वो हम कर लेंगे। तो ये देखिए, हम जाएंगे और यहाँ से वॉकिंग का एनिमेशन कर लेते हैं। और सेकंड रो पर आपको ऐसे जाना है और इसको कर देना है आइडल, ठीक है। तो इस टाइप का देखिए, आपको एनिमेशन करना है। एनिमेशन करने के बाद दोस्तों, ऊपर साइड बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर जाना है। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप ब्लू या ग्रीन बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, हम ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड है वो हम ले लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ आ चुका है। तो अब दोस्तों, इसको हमको सिंपली क्या करना है, कर लेना है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर साइड रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको कैंसिल कर देना और इसको आपको मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेना है। तो अगर दोस्तों आपके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, चले जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर, वहाँ से कोई सभी स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड करके उससे भी आप ये काम कर सकते हो। दोस्तों देखिए, पहले आपको सिंपल सा ऐसे चलते हुए दिखाना है, फिर दोनों को ऐसे करके स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद दोस्तों, ये करेक्टर आ जाएगा सामने। फिर दोस्तों, ऐसे करके बात करेगा कि राम जी, आप क्या मुझे मार पाओगे, तो इस टाइप का करेंगे। फिर दोस्तों, चेस्ट पे क्लिक करेंगे, इसको आइडल करेंगे। तो ये देखिए, राम बोलने लगेंगे। फिर यहाँ से आपको ऐसे करके चेस्ट करना है। तो इस टाइप का आपको सिंपली क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों, यहाँ देखिए क्रोमा टून का एक लोगो देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कैंसिल कर देना है। तो कैंसिल करने के बाद दोस्तों, अब हमको सिंपली क्या करना है, एक तीर चलाने वाला, जो राम जी तीर चला रहे हैं वो वाला करेक्टर लेकर आना है। क्योंकि दोस्तों, ये वाला करेक्टर जो है वो तीर नहीं चला पाएगा, उसके लिए दोस्तों दूसरा राम का करेक्टर वो हम लेकर आते हैं। तो यहाँ देखिए, हम
यहाँ पर चले जाएंगे। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जाएंगे लोड पर और यहाँ से एक करेक्टर ले लेते हैं राम जी का दूसरा वाला। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए नॉर्मल राम जी का जो करेक्टर है वो आ चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं जो राम जी का करेक्टर है वो आ चुका है। यहाँ पर देखिए राम जी के करेक्टर के पीछे वाले हाथ पर जो बो है यानी कि धनुष है वो पकड़ा हुआ है। दोस्तों ये धनुष कैसे पकड़ाएंगे इसका भी मैं आपको बता दूंगा आखिर में कि कैसे पकड़ाते हैं। ठीक है लेकिन दोस्तों अभी हम देखिए बनाकर दिखा देते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर साइड देखिए आई के और एनिम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको दोनों पर ऐसे करके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए राम का ये हाथ पैर पीछे कर लेना है और ये पैर आगे करना है, तो इस टाइप का। और दोस्तों इसको हम देखिए ऐसे कर लेंगे, देखिए ऐसे कर लेंगे और हल्का सा हमको देखिए ऐसे कर लेना है, इसका हाथ ऐसे कर लेना थोड़ा, तो ऐसे कर लेंगे और ये वाला हाथ आपको ऐसे करके उठा कर लाना है और यहाँ पर ऐसे करके लगा देना है। तो इस टाइप का देखिए आपको कर लेना है। करने के बाद दोस्तों इसको भी आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे कैंसिल करके इसको भी आपको इस टाइप का रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं अपने काइन मास्टर ऐप में, वहाँ से आपको फुल ट्यूटोरियल यानी कार्टून वीडियो का फुल एडिटिंग करना बताएंगे। दो सेक्टर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने कार्टून वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है अब दोस्तों हम चलते हैं अपने काइन मास्टर ऐप में। तो यहाँ दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं काइन मास्टर ऐप में, यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो यहाँ मीडिया पर जाएंगे, अपना जो बैकग्राउंड है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ दोस्तों देखिए ये बैकग्राउंड हमने ले लिया है। दोस्तों ये बैकग्राउंड आपको क्रोमाटून की वेबसाइट पर मिल जाएगा, अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है अब दोस्तों ये बैकग्राउंड आ चुका है, आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे, अपना जो करेक्टर है चलने वाला वो हम ले लेते हैं। ठीक है तो यहाँ दोस्तों देखिए हमारा जो करेक्टर है वो आ चुके हैं, आने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ क्रोपिंग पर जाएंगे और इसको हम ऐसे करके क्रोप कर लेते हैं। ये देखिए इस टाइप का आपको क्रोप कर लेना है, देखिए दोनों तरफ से आपको क्रोप करना है। ये देखिए क्रोप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपको पीछे का पार्ट ऐसे करके ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोरमा की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको कोरमा की इनेबल कर देना है। तो ये देखिए इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद दोस्तों इसको हम देखिए ऐसे करके बिल्कुल लाइट कर देंगे। ठीक है यानी कि इसका कलर जो है वो ठीक से एडजस्ट कर देंगे। अब दोस्तों हम करेक्टर को अपने छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, और छोटा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर उठा कर रख लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा बड़ा करके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ छोटा ज़्यादा अच्छा लगेगा इसलिए हमने इसको ऐड किया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिक्सर या स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका जो वॉइस आपको म्यूट कर देना है ताकि जो बैकग्राउंड वॉइस है वो ना आ सके। अब दोस्तों इस पर लेयर पर क्लिक करेंगे और साइड पर देखिए की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इतना हम बढ़ा लेंगे इतना, ठीक है, और देखिए इतना हम बढ़ा लेंगे, प्लस करेंगे और अपने जो करेक्टर हैं राम और लक्ष्मण उनको उठाकर आपको ऐसे करके निकाल देना है। ठीक है तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, ये देखिए कुछ इस टाइप का चलता हुआ आपको देखने को मिलेगा राम लक्ष्मण। ठीक है तो इस टाइप का मिल चुका है। अब दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, अगला बैकग्राउंड लेकर आना है। तो हम यहाँ फिर से हम यहाँ मीडिया पर जाएंगे और एक और बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो दूसरा आ चुका है, ये भी दोस्तों मैंने क्रोमाटून की वेबसाइट से डाउनलोड किया था। तो इसको हम देखिए ऐसे करके बड़ा कर लेंगे, ये देखिए ठीक है इतना बड़ा कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमको सिंपली क्या करना है, अपने करेक्टर लेकर आना है। तो यहाँ देखिए हम लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, अपना जो करेक्टर है वो हम ले लेते हैं। ये देखिए मैं जो करेक्टर आ चुके हैं, आने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इसका जो वॉइस आपको म्यूट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, इनको खड़ा करके रखना है जहाँ से ये बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं, वहीं से इनको बात करा लेना है। हमने ले आए और यहाँ से दोस्तों ये खड़े होकर बात कर रहे हैं, देखिए हम चला कर दिखा देते हैं। ये देखिए ये इस टाइप का देखिए बात कर रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे लेयर पर और इसको हम देखिए साइज़ बढ़ा देंगे ताकि हमारा जो भूत बात कर रहा है वो भी बात करता हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए तो ये देखिए बात करता हुआ आपको सिंपल सा देखने को मिल रहा है। दोस्तों बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मतलब कठिन या हार्ड नहीं है। तो हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ क्रोपिंग पर जाना है और इसको ऐसे करके क्रोप कर देना है। ये देखिए क्रोप कर देना है। क्रोप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कोरमा की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको कर देंगे इनेबल। इनेबल करने के बाद दोस्तों इसको हम ऐसे करके एडजस्ट करेंगे तो ये देखिए कुछ इस टाइप का हमारा देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आप चाहो तो बड़ा कर लीजिएगा, ये देखिए ठीक। तो इस टाइप का देखिए हमारा जो कार्टून वीडियो है, यहाँ देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा कार्टून वीडियो और बिल्कुल HD क्वालिटी में बनकर तैयार हो रहा है, देख लीजिए। तो इस टाइप का देखिए आपको यहाँ पर एक और सीन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम आपको सिंपली क्या करेंगे, ये देखिए बात करते हो देखने को मिलेगा, ये देखिए बात कर रहे हैं ठीक। अब दोस्तों हम आगे का सीन जो है वो बना कर दिखाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे, कैची के ऊपर जाएंगे और पीछे का पार्ट हम ऐसे ट्रिम कर देंगे। और ट्रिम करने के बाद दोस्तों अब हमको क्या करना है, यहाँ से ये बैकग्राउंड को ऐसे करके बढ़ा लेना है खींच कर, ठीक है ऐसे करके बढ़ा लेना है।
बढ़ा लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड पे आएंगे, क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ कैची पे जाएंगे, इसको कर देंगे स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हम अपना करेक्टर लेकर आएंगे, फिर से वो जो तीर चला रहा है, तो दोस्तों लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और अपना करेक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों वहाँ जो करेक्टर आ चुका है, आने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इसका वॉइस ऐप को म्यूट कर देना है। ये देखिए म्यूट हो चुका है। होने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम कर लेंगे क्रॉप। तो यहाँ हम क्रॉपिंग पर जाएंगे, इसको हम ऐसे करके क्रॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको क्रॉप कर लेना है, थोड़ा सा हम ऊपर से क्रॉप कर लेंगे। ये देखिए ठीक, क्रॉप करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करना है, इसको ऐसे करके इनेबल कर देना है। ये देखिए कोरमा की इनेबल करना है इस टाइप का, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा जो करेक्टर है वो क्लियर दिखने लगे, ठीक है। अब दोस्तों हमको यहाँ क्या करना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, पैन एंड जूम पर जाएंगे, इसको हम देखिए थोड़ा सा जूम कर लेंगे इस टाइप का, ठीक है। जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ से इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद दोस्तों ये देखिए ये जो हमारा करेक्टर है छोटे लगने लगे हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम देखिए ऐसे करके आपको बड़ा कर लेना है, दिखा देना है बड़ा, ठीक। तो इस टाइप का देखिए आपको बड़ा दिखाना है, ये देखिए इस टाइप का कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो इस टाइप का देखिए आपको बड़ा दिखा देना है। दिखा देने के बाद दोस्तों अब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको एक तीर लेकर आना पड़ेगा, एरो उसको लेकर आना पड़ेगा। तो हम यहाँ से देखिए लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और एक पीएनजी ले लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए हमारा जो पीएनजी है वो आ चुका है। आने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम छोटा करेंगे और इसको हम ऐसे करके रोटेट करेंगे और इसके हाथ के पास, राम जी के हाथ के पास आपको ऐसे छोटा करके इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप का लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ ऊपर थ्री डॉट देखने को मिलेगा, आपको उस पर जाना है, इसको कर देना है सेंड टू बैक। तो ये पीछे साइड चली जाएगी, ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ साइड पर की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, इतना प्लस करेंगे और इस तीर को हम ऐसे खींच कर आगे निकाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तीर जाता हुआ हमारा देखने को मिल जाता है, ये देखिए ये तीर जा रहा है, देख लीजिए एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए तीर हमारा जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, कैची पे जाना है, इसको यहाँ से स्प्लिट करना है दोस्तों, ट्रिम नहीं करना है, पीछे के साइड आपको डिलीट नहीं करना है, मतलब डिलीट करना है लेकिन स्प्लिट करके आपको डिलीट करना है, नहीं तो आपका कार्टून वीडियो है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम ये देखिए ऐसे करके पीछे का पार्ट ऐसे करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद दोस्तों देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कैची पे जाएंगे, इसको हम कर देंगे स्प्लिट, ठीक है, बैकग्राउंड को। अब दोस्तों देखिए हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, पैन एंड जूम पर जाना है, इसको हम ऐसे करके जूम कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है, ठीक ऐसे करके हमको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे साइड पर क्लिक कर लेंगे और फिर आपको क्या करना है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और अपना जो तीर है वो लेकर आना है। तो हम फिर से अपना जो तीर का पीएनजी है वो ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो तीर का पीएनजी है वो आ चुका है। आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको हमको देखिए हम क्रॉप कर लेंगे, थोड़ा सा इसको हम इस टाइप का क्रॉप कर लेंगे, देखिए ठीक। क्रॉप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद दोस्तों इसको हम देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। बड़ा करने के बाद दोस्तों देखिए हम यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पैनल जूम पर जाएंगे और इसको ऐसे करके हटाएंगे और ऐसे खिसका लेंगे। यहाँ फ्रेम पर भी देखते जाइए, देख लीजिए दोस्तों यहाँ फ्रेम पर भी देखते जाइए कि ये फ्रेम कहाँ जा रहा है हमारा। ये देखिए ऊपर वाला फ्रेम बिल्कुल इस कॉर्नर पर होगा, ठीक है, यहाँ देखिए इस कॉर्नर पर होगा और ये नीचे वाले फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो इसको हम इस कॉर्नर पर कर देंगे। देखिए इस कॉर्नर पर हमको करना है, इस कॉर्नर पर, ठीक है, देख लीजिए इस कॉर्नर पर हमको कर देना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमको दोनों कॉर्नर पर कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए कुछ इस टाइप का जो हमारा बैकग्राउंड है वो चलता हुआ देखने को मिले और हमारा तीर भी चलता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको ऐसे करके छोटा कर देना है, ये देखिए। तो ये देखिए हमारा जो तीर है आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा, ये देखिए। अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ लेयर पे जाएंगे और यहाँ स्टिकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक गोल्ड स्पार्कल करके आपको स्टिकर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये स्टिकर आपको यहाँ पर ना मिले तो यहाँ ऊपर होम के आइकन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों स्पेशल इफेक्ट के ऑप्शन पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ये वाला हम ले लेंगे, चाहो आप ये वाला ले सकते हो, ये तो हम ये वाला देखिए ये वाला भी लेकर दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम देखिए खींच कर इतना बड़ा कर लेंगे, ठीक, और इस पर क्लिक करके इसको हम देखिए इतना छोटा करेंगे और यहाँ तीर के मुंह के पास बिल्कुल आपको ऐसे करके रख देना है, देख लीजिए थोड़ा हम छोटा और कर लेंगे, देख लीजिए, और ऐसे करके आपको रख लेना है,
देख ली, ऐसे करके आपको रखना है। रखने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस रखना है क्योंकि हमने बैकग्राउंड एनिमेट कर दिया है। आप दोस्तों ये देखिए, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये बैकग्राउंड है, ये देखिए बैकग्राउंड है, ये पैन एंड जूम पर जाकर यहाँ से देखिए दोस्तों इस टाइप का आपको कर देना है। यहाँ देखिए आप पैन एंड जूम के फ्रेम पर देखिए, ऊपर वाला ऐसे इस तरफ कर देना है, नीचे वाला इस तरफ कर देना है। तो बस दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ एरो आपको एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो एरो है वो ऑलरेडी एनिमेट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो चल रहा है। देखिए कितना अच्छा सा हमारा तीर जाता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम खींच कर ऐसे करके बड़ा कर देंगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस ट्रिम एंड स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, इसको कर देना है स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों पैन एंड जूम पर जाएंगे, इसको हम देखिए डबल फिंगर की मदद से ऐसे छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के बाद देखिए नॉर्मल कर लेंगे इसको इस टाइप का, ठीक है। और इसको यहाँ से इक्वल कर लेंगे, ठीक है। इक्वल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप चाहो तो अपना जो करेक्टर है वो रख सकते हो, तो यहाँ से तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ देखिए क्या करना है, लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे, अपना जो भूत वाला करेक्टर है वो हम ले आते हैं। ये देखिए हमारा जो भूत वाला करेक्टर है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। आने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जाना है क्रोपिंग पर, तो आपको ऐसे करके क्रोप कर लेना है। ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको क्रोप कर लेना है, ठीक है। क्रोप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, इसका कोरमा की इनेबल कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हम कोरमा की जो है वो इनेबल कर देते हैं, ये देखिए इस टाइप का इनेबल कर देंगे, थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा जो करेक्टर है वो क्लियर दिखने लगे। अब दोस्तों इस पर क्लिक करके इसका जो वॉइस है आपको म्यूट कर देना है, तो इस टाइप का देखिए हम इसका वॉइस जो है वो भी म्यूट कर देते हैं। म्यूट करने के बाद दोस्तों इसको आपको क्या करना है, ऐसे बड़ा करके रख देना है, ये देखिए ऐसे आपको बड़ा कर देना है, ठीक है। बड़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, पैनल जूम पर जाएंगे, इसको भी हमको ऐसे करके बड़ा कर देंगे, ठीक है। करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से आपको जाना है मीडिया पर और तीर ले लेना है, तो यहाँ से हम फिर से तीर ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम तीर ले लेते हैं, तो तीर ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और तीर को हम ऐसे रोटेट करेंगे, ये देखिए रोटेट करने के बाद दोस्तों इसको हम उठाकर देखिए थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे तीर को, इस टाइप इसको उठाकर हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए आपको क्या करेंगे, फिर से आपको यहाँ की पर क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इतना बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे और इसको हम देखिए ऐसे करके इसके पेट पर ऐसे लेकर आना है, ठीक है। ये देखिए इसके पेट पर आपको ऐसे करके लेकर आना है, ठीक। आपको बस इतना करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का, ये देखिए इस टाइप का तीर लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, फिर से हम यहाँ लेयर पे जाएंगे, स्टिकर पे जाएंगे, अपना जो स्टिकर है वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे और ये स्टिकर हम ले लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम इतना बढ़ा देंगे, ठीक है। स्टिकर को बढ़ा देने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे स्टिकर पर और इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। देखिए हम थोड़ा सा स्टिकर पीछे करेंगे, यहाँ पर इसको हम छोटा कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों ऐसे करके आपको छोटा करना है, ठीक। छोटा करने के बाद दोस्तों इसको भी की फ्रेम कर देना है, तो हम यहाँ की पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। इतना बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे और इसको हमको यहाँ पर नोक पर ऐड करना है। फिर दोस्तों आगे बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे, फिर हमको दोस्तों यहाँ नोक पर ऐड करना है, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे और इसके हमको नोक पर ऐसे करके ऐड कर देना है। तो यहाँ देखिए हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये देखिए तीर जाता हुआ, ठीक। तो इस टाइप का देखिए बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो कार्टून वीडियो है फुल एडिटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ से देखिए आपको शुरू से दिखा देते हैं, तो शुरू से ये देखिए ये जाता हुआ देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके हमारा जो दोनों करेक्टर बात करते हुए देखने को मिलेंगे, तो इस टाइप का देखिए यहाँ पर आपको बात करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो है इस टाइप का, ये देखिए राम जी तीर चलाते हुए देखने को मिलेंगे, ये देखिए। तो ये देखिए ये तीर जा रही, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो तीर जाती हुई का एनिमेशन देखने को मिलेगा, ये देखिए तीर जा रही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारा तीर है वो लग चुकी है। तो इस टाइप का जो आपका एनिमेशन है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको कर लेना एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों इसको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर आप अपने कार्टून वीडियो में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। लेकिन अगर आपको कोई सा भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर 100% जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।